ईशा क्रिया एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है, लेकिन ये एक शक्तिशाली साधन है। ये तीन चीजें, आपकी सांस, आपका विचार और आपकी जागरूकता, अगर आप सही तरीके से साथ मिलाकर इनका उपयोग करते हैं तो मन और शरीर का इस्तेमाल करने की आपकी क्षमता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि किसी और को लगेगा कि आप सुपर ह्यूमन हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंसानी क्षमता है। इसका मकसद सुपर ह्यूमन बनना नहीं है, इसका मकसद है ये जानना कि इंसान होना सुपर है। तैयारी। पीठ को आरामदायक अवस्था में सीधा रखते हुए पालथी लगाकर बैठें। अगर जरूरत हो तो आप पीठ का सहारा ले सकते हैं, लेकिन सिर को सहारा ना दें। इस क्रिया को पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके करना अधिक लाभदायक है। हाथों को अपनी जांघों पर रखें, हथेलियां ऊपर की ओर हो। जरा सा ऊपर उठे हुए चेहरे के साथ आंखें बंद रखते हुए बैठें। अपनी बाहों के बीच हल्का सा ध्यान रखें। यह ध्यान तीन चरणों में होगा। पहला चरण, आराम से धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। हर बार सांस लेते समय अपने मन में खुद से कहें, मैं शरीर नहीं हूं। इस विचार में जितना समय लगता है उतने समय तक सांस अंदर लेते रहें। हर बार सांस छोड़ते समय अपने मन में खुद से कहें, मैं मन भी नहीं हूं। इस विचार में जितना समय लगता है उतने समय तक सांस बाहर छोड़ते रहें। इसे 7 से 11 मिनट तक दोहराएं। दूसरा चरण, खुले मुंह के साथ 7 बार आ का उच्चारण करें। हर उच्चारण में पूरी तरह से सांस बाहर छोड़ते रहें। यह आवाज नाभि के ठीक नीचे से आनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ऊंची आवाज में इसका उच्चारण करें, लेकिन आवाज इतनी हो कि आप इस ध्वनि के कंपन महसूस कर पाएं। तीसरा चरण, 5 से 6 मिनट तक जरा सा ऊपर उठे हुए चेहरे के साथ बैठें और अपनी भौहों के बीच एक हल्का सा ध्यान बनाए रखें। इस अभ्यास को पूरा करने में 12 से 18 मिनट लगेंगे। अगर आप चाहें तो ज्यादा देर तक बैठ सकते हैं। कृपया ध्यान दें, जब आप ईशा क्रिया करने के लिए बैठते हैं तो अपने शरीर और मन की गतिविधि पर ध्यान ना दें। आपके शरीर और मन में जो भी चल रहा है उसे बस नजरअंदाज कर दें और बस यूं ही बैठे रहें। क्रिया के बीच में ब्रेक ना लें, क्योंकि ब्रेक लेने से क्रिया के दौरान हो रही ऊर्जा पुनर्गठन की प्रक्रिया में व्यवधान पड़ेगा। क्रिया का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए आप इसे हर बार कम से कम 12 मिनट के लिए करें। इसे 48 दिनों तक दिन में 2 बार करें। 48 दिनों का एक पूरा मंडल या चक्र होता है, या फिर 90 दिनों तक दिन में 1 बार करें। कोई भी इस क्रिया का अभ्यास कर सकता है और इसके फायदों का आनंद उठा सकता है। बस कोई भी बदलाव किए बिना निर्देशों का पालन करें। यह एक सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली क्रिया है। आप खुद को दिन में किसी भी समय याद दिला सकते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं। इस वीडियो में मौजूद आवाज की मदद से क्रिया का अभ्यास करना सबसे अच्छा होगा। हालांकि आप आवाज की मदद के बिना भी इसे कर सकते हैं। अपने हाथ खुले रखिए, हथेलियां ऊपर की ओर, आंखें बंद, चेहरा जरा सा ऊपर उठा हुआ, बाहों के बीच हल्का सा सहज ध्यान, आराम से धीरे धीरे सांस लीजिए और छोड़िए। सांस अंदर लेते समय मैं शरीर नहीं हूं, सांस बाहर छोड़ते समय मैं मन भी नहीं हूं। मैं शरीर नहीं हूं,
मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं। अपने आंखें बंद रखिए, जरा ऊपर उठे चेहरे के साथ बिल्कुल स्थिर होकर बैठिए, ऐसे अचल हो जाइए। अपना समय लेते हुए धीरे धीरे अपने आंखें खोलिए। हर दिन ईशा क्रिया का अभ्यास अच्छी सेहत, उत्साह, संपन्नता और खुशहाली लाता है। आधुनिक जीवन की तेज गति के साथ तालमेल बिठाने के लिए ये एक शक्तिशाली साधन है। यह क्रिया लोगों को अपने जीवन को उसकी संपूर्ण क्षमता में अनुभव करने के लिए सक्षम बनाती है।